नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से हवाएं खराब हैं। हवाओं में इतना जहर घुल गया है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। ये समस्या दिवाली के बाद से अचानक और बिगड़ गई। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार समेत तमाम लोग पराली जलाए जाने को वजह मान रहे हैं। पराली के बहाने किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर बागपत की शूटर दादी भड़क गई हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ सालों से दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन हर बार दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए पराली जलाए जाने को वजह मानती रही है। इस बार भी जब प्रदूषण बढ़ा तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों से पराली जलाए जाने पर रोक लगाने की अपील की। खट्टर अंकल से और कैप्टन अंकल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के हमारे बच्चों का ख्याल रखो। हमारे बच्चों की सेहत खराब हो रही है। पिछले 5 साल से हमारी सरकार ने, हमने सबने मिलके दिल्ली में शिक्षा पे बहुत काम किया है। आप लोगों का भविष्य बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का भविष्य बहुत सुनहरा हो। सरकारी स्कूलों में खूब काम हुआ है। प्राइवेट स्कूलों के मेरे पास पेरेंट्स आते थे जिनकी शिकायतें होती थी, उनको हमने ठीक किया है। लेकिन भविष्य तो तब बनेगा ना जब अपनी हेल्थ अच्छी होगी, जब अपना स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर बचपन के अंदर ही हमें गंदी हवा सूंघने को मिलेगी तो फिर अपना भविष्य अच्छा कैसे बनेगा। तो अपने को अपने सेहत के लिए भी काम करना है। आज इतने गंदे मौसम के अंदर हम बाहर खेल नहीं सकते, बाहर घूमने नहीं जा सकते, अंदर कमरे में बैठो तब भी दम घुटता है। तो आज एक काम तो हम कर रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा कब किसानों का वो खत्म करेंगे धुआं, वो तो उस पे कोशिश कर रहे हैं। मैं भी बात कर रहा हूं उनकी गवर्नमेंट्स के साथ। सीएम केजरीवाल ने जैसे ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहराया, शूटर दादी चंद्रो तोमर को गुस्सा आ गया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जिसे देखो बस पराली पराली, किसान किसान, सच बताना बाल को क्या समस्या, बस यही है। और जो भी समस्या है कोई समाधान क्यों नहीं है, बागपत का भी हाल सही नहीं है। शूटर दादी ने जैसे ही पूछा सच बताना बाल को प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाना सही है, तो कई लोगों ने कमेंट कर शूटर दादी के सवाल पर जवाब दिया। ट्विटर यूजर राकेश कुमार ने लिखा, दिन रात एसी में बैठे रहने वाले दिवाली पर पटाखों को दोष दें, दिवाली बाद पराली को फिर पूरे साल कोई बात नहीं करते प्रदूषण की, क्योंकि इनको पता है कि कुछ कहा प्रदूषण पर तो कार, एसी, जनरेटर, बढ़ती जनसंख्या पर बात आ जाएगी। ट्विटर यूजर सिद्धि ने कहा, दादी किसान आज से ही थोड़े ना पराली जलाना शुरू किए हैं, इन नेताओं को अपनी गलती ना दिख रही, खुद काम किया नहीं, ठीकरा फोड़ रहे बेचारे किसानों पर। ट्विटर यूजर चिराग गुमसुम ने लिखा, चुनाव आ रहे हैं ना दिल्ली में दादी, अब किसी के सिर पे तो दोष मढ़ना ही है, तो किसान और पराली से बढ़िया और क्या मिलेगा। किसान हरियाली फैलाता है ना कि प्रदूषण, ये क्या लगा रखा है पराली पराली पराली। ट्विटर यूजर लोकेंद्र तोमर ने लिखा, दादाजी पशु खत्म हो रहे हैं, हर घर में भैंस हुआ करती थी, अब जोहड़ी गांव में कुल कितनी भैंस है, भैंसे की जगह ट्रैक्टर ने ली है, अब ना भैंस न भैंसा, गाय बछड़े खेतों में हरा हरा गप गप खा रहे हैं, सूखा कौन खावे, सरकार को ये बात कौन समझाए। ट्विटर यूजर कृष्ण प्रजापति ने लिखा, दादी क्या शहरों की जगहों पर मौजूद जंगलों को हटाकर आलीशान भवन, बंगले, फैक्ट्रियां क्या किसानों ने बसाई, क्या किसान पैदल कम और महंगी गाड़ियों में ज्यादा चलते हैं, क्या किसान एसी कमरों के शौकीन हैं? किसान ही तो 12 में से 6-8 महीने धरती को हराकर मौसम और पेट की भरपाई की व्यवस्था करता है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इतने खराब स्तर पर पहुंच गया है कि हेल्थ इमरजेंसी लागू करनी पड़ गई है, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। यही नहीं, दिल्ली एनसीआर में रविवार को तो प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 900 के पार चला गया। इतना ही नहीं, दिल्ली के नरेला में तो AQI 999 तक पहुंच गया, वहीं मुंडका में 909, पूसा रोड पर 920, सोनिया विहार में 890, पंजाबी बाग में 952, शहदरा में 881, नोएडा में 854 और गाजियाबाद में 767 पहुंच गया। इन सब जगहों के मुकाबले गुरुग्राम और फरीदाबाद में कम प्रदूषण रहा। गुरुग्राम में AQI 386 और फरीदाबाद में 323 रहा। हालांकि ये भी बेहद खराब श्रेणी में है।
हर बार की तरह केजरीवाल सरकार ने इस बार भी प्रदूषण से निपटने के लिए 4 नवंबर से ऑड इवन लागू कर दिया है। वैसे केजरीवाल सरकार की इस पहल और शूटर दादी के सवाल पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली NCR में प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान और पराली जिम्मेदार है?